नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप सड़क पर घूमते नजर आते हैं या फिर अपने वाहन से कहीं ना कहीं ट्रेवल करते नजर आते हैं या फिर आपके पास भी कोई गाड़ी है, तो आप एक बात को जरूर गौर किए होंगे और मैं जो बताऊंगा उस बात को अगर आपने गौर किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो आप उसको जरूर कीजिएगा। देखते होंगे कि कई सारी गाड़ियां होती हैं, कई डिफरेंट टाइप्स की गाड़ियां होती हैं जिसमें अलग अलग नंबर प्लेट्स लगे होते हैं। किसी में व्हाइट्स होते हैं तो किसी में येलो लगे होते हैं, किसी में ग्रीन होते हैं तो किसी में ब्लू होते हैं, और किसी में इस टाइप का एरो लगा होता है जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि गाड़ियां तो भाई चार चक्का है, सब में चार चक्का है, लेकिन ये अलग अलग जो नंबर प्लेट है वो क्यों लगा हुआ है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि इन नंबर प्लेट्स का मतलब क्या होता है पूरी गाड़ियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो करता हूं व्हाइट नंबर प्लेट के बारे में। जी हाँ, व्हाइट नंबर प्लेट वाली अगर आपको गाड़ी दिखे तो आप उसको देखने के बाद ये समझ जाइए कि ये गाड़ी किसी ऑनर, प्राइवेट ऑनर की है, यानी कि पर्सनल गाड़ी है। पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक पर्सनल ट्रेवल करने के लिए वो गाड़ी ली गई है, यानी कि किसी एक व्यक्ति, जैसे कि मैं कोई गाड़ी लेता हूं जिस पर मैं ऑफिस जाना आना हो तो वो उस पर जो होता है व्हाइट नंबर प्लेट होता है, जिसको कहा जा सकता है कि वो किसी ऑनर, किसी मालिक की प्राइवेट कार हो सकती है, और हो सकती क्या है वो होती है। तो ये होता है व्हाइट नंबर प्लेट का। दूसरा नंबर होता है आपके येलो नंबर प्लेट का। येलो नंबर प्लेट का मतलब होता है कमर्शियल यूजेस के लिए, यानी कि किसी ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका येलो बोर्ड उस नंबर पर लगा होता है। जैसे कि आप कई सारे कार देखते होंगे, कई सारे टैक्सीज देखते होंगे, कई सारे बस देखते होंगे, ट्रक्स देखते होंगे, ये बेसिकली रिवेन्यू जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कमर्शियली। जैसे ओला में, उबर में आप देखते होंगे तो येलो कलर का जो है वो नंबर प्लेट लगा होता है। तो येलो नंबर जो प्लेट होता है बेसिकली कमर्शियल यूजेस के लिए होता है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है, अर्निंग करने के लिए होता है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखते होंगे ब्लू नंबर भी कभी कभी किसी गाड़ी पर नजर आता है। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जो होता है फॉरेन एम्बेसी के लोगों के लिए होता है, क्योंकि हमारे देश में, अगर हमारा देश इतना बड़ा है तो उसमें फॉरेन से जुड़ा भी कई सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जिसको करना होता है। तो जो फॉरेन गाड़ियां होती हैं, जो फॉरेन के यूजेस के लिए होती है या फिर फॉरेन एम्बेसीज के लिए यूज की जाती है, तो उस पर आप देखते होंगे कि ब्लू जो है वो प्लेट नजर आता है। तो जब भी ब्लू प्लेट नजर आता है किसी गाड़ी पर तो समझे कि वो फॉरेन एम्बेसी की कोई गाड़ी हो सकती है। वहीं बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर आपको रहता है ग्रीन प्लेट। जी हाँ, ग्रीन प्लेट भी आप देखते होंगे कि आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। ग्रीन जो प्लेट होता है नंबर, वो बेसिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डीजल पेट्रोल पर गाड़ियां चलती है उसके बाद से अब धीरे धीरे हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होते हैं वो आपके ग्रीन नंबर प्लेट होता है, और ये ग्रीन प्लेट इसलिए रखा गया क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज होते हैं बेसिकली, जो हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो हमारी एनवायरमेंट में गंदगी फैल रही है, उसको लेकर इस प्रकार के व्हीकल्स का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसको जो है ग्रीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं बात करें तो एक आप देखते होंगे कि गाड़ी रहती है उस पर एरो का सिंबल बना होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी एरो का सिंबल बना होता है उस गाड़ी का मतलब समझिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई गाड़ी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाड़ी हो, जैसे कि आर्मी हो गया, मिलिट्री फोर्सेस हो गया, या फिर फोर्स से जुड़ी जो भी गाड़ी होती है उस पर आप देखते होंगे कि जो ट्रिक एरो लगा होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली गाड़ियां होती है, और उसको कोई भी ट्रैफिक पुलिस वालों की औकात नहीं कि वैसी चीजों को रोक दे। तो ये अलग अलग डिफरेंट नंबर प्लेट्स थे जिसके बारे में आज मैं जानकारी दिया हूं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।